लिखो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चले पंकज पढ़ते ममता हिरवार महिमा चले भाई सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है दशमलव भिन्न क्या होता है वह समझ लें। दशमलव भिन्न को समझने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें देखें। चलें दशमलव भिन्न में हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवाल दूंगा आपको, उन्हें बताएं कि उनका मान कितना आएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं दशमलव भिन्न में यदि बोलना जाए तो 3/100 को आप कितना लिखोगे। उसके बाद यदि हम वो ये बोलें कि 0.03 बराबर क्या होगा, या फिर इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है ए और बी। ठीक है, ये भाई काय के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये दशमलव के फॉर्म में है, तो बताएं इन दोनों का मान क्या होगा और इसमें से कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी। चले सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। पॉइंट जीरो थ्री कितना हो जाएगा, 0.03, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/100, इसका मान हो जाएगा 0.03 और इसका मान कितना हो जाएगा 3/100। मतलब आपस में ये कैसी है, बराबर है, आपस में कैसी है, बराबर है। चलें अब हम देखते हैं, कुछ मान दूंगा मैं आपको, बताना है कि उनके मान क्रमशः क्या हो जाएंगे। चलें बहुत बढ़िया, 0003 इक्वल है, बराबर है दोनों, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, दशमलव के कुछ नियम पढ़ते हैं। ठीक है, दशमलव के कुछ नियम पढ़ेंगे, इक्वल है दोनों, इक्वल है। चलें अब यदि आपसे मैं ये पूछूं कि 2/10 को क्या बोलेंगे, 3/10 को क्या बोलेंगे, क्रमशः बताते जाएं आप थोड़ा, है ना, 2/10 को क्या बोलेंगे, 3/10 को क्या बोलेंगे, 4/10 को क्या बोलेंगे, और 5/10 को क्या बोलेंगे, एक साथ बता दें सभी। क्या 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10, इनको क्या बोलेंगे आप बताएं थोड़ा। जीरो पॉइंट टू, बहुत बढ़िया, एक एक शून्य है नीचे तो एक संख्या बाद दशमलव, या एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव। इतना सभी को क्लियर होगा कि भाई 2/10 को हम 0.2 बोलेंगे, 3/10 को 0.3 बोलेंगे, 4/10 को 0.4 बोलेंगे, 5/10 को 0.5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0.5। चलें अगला देखें, अगला क्या हो जाएगा, 1/100, 1/100 दूसरा, 2/100 तीसरा, 9/100 इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, या इनका मान कितना हो जाएगा। जिन्हें नहीं बना समझ लें, वो पहले वाला क्या है, यहाँ पर नीचे एक शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के बाद बोलते हैं लोग, लेकिन बाद नहीं बोलना है, शब्द क्या प्रयोग होगा, पहले, एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव और एक संख्या के पहले दशमलव। अब यहाँ बताएं इसका मान क्या हो जाएगा, 1/100, 2/100 और 9/100 एक साथ ही बता दें, बहुत बढ़िया पॉइंट। चले अब है कुशवाहा, गलत आंसर है, बस यही गलती की उम्मीद कर रहा था मैं आपसे। अवय कुशवाहा गलत आंसर है आपका, बिक्की हुई के गलत आंसर है, लगभग बहुत से लोगों के आंसर गलत है, राजेंद्र टेकाम गलत आंसर है। चलें कुछ बच्चों के आंसर गलत है, कुछ लोगों के आंसर सही है। देखें सबसे पहले आप टोटल संख्या काउंट नहीं करना है, कुल शून्य काउंट करना है, कुल शून्य कितनी है, दो है,
यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, दो शून्य हैं। तो यहाँ भाई दो संख्या लिख लो, 0 1 ये दशमलव, यहाँ क्या हो जाएगा 0 2, यहाँ कितना हो जाएगा 0 9, क्या आएगा 0.01, 0.02 और 0.09, जिनके ये आंसर आए हैं बिल्कुल सही हैं। क्या है 0.01, 0.02 और 0.09, जिनके आंसर ये आए हैं उनके आंसर सही हैं, अदरवाइज आंसर गलत है। क्यों? सबसे पहले आपको देखना है नीचे कितने शून्य हैं। क्या देखना है बेटा, नीचे कितने शून्य हैं, नीचे ये नहीं देखना कि कितनी संख्याएं हैं, क्या देखना है आपको नीचे कितने शून्य हैं। जितने शून्य आएंगे उतना ऊपर वाली संख्या में उतने संख्या पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलें आगे देखते हैं, अगला प्रश्न मैं लिखता हूँ उसका मान बताएं, जो गलत कर दिए हैं अब सही बता दें। 0.06 बराबर क्या होगा, 0.06 बराबर क्या होगा, 0.06 बराबर क्या होगा, आराम से बताएं जल्दबाजी ना करें, 0.06 बराबर क्या होगा। रात की क्लास के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, रात को क्लास नहीं रहेगी, कल भी नहीं रहेगी, हो सकता है परसों भी ना रहे, कारण बताऊंगा क्यों नहीं रहेगी, लास्ट में वीडियो के अंत में अपन बात करेंगे, ठीक है। चलें बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 6/100 देखने से पहले थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। ये 6 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 100, इसे काट दो 3 बार और 50 बार, कितना आएगा 3/50 आएगा, कितना आएगा बेटा 3/50 आएगा। बढ़िया, 6/100 डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, बहुत बढ़िया, अभय कुशवाहा, 3/50 बहुत बढ़िया, कितना आएगा 3/50, क्योंकि अभाज्य लिखना है, ये संख्याएं आपस में अभाज्य है क्या, नहीं है, 3 में भी कोई कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, 50 में भी नहीं जाता, आंसर कितना आएगा 3/50 आएगा, कितना आएगा 3/50। अगला देखें, चलें अगला देखें, 11/100, 13/100 और 17/100, इनका मान बताएं, 11/100, 13/100 और 17/100 का मान बताएं। बहुत बढ़िया, चलें 11/100, 13/100 और 17/100 का मान बताएं। चलें 0.11, 0.13, 0.17, बहुत बढ़िया, प्रिंस रघुवंशी, आकाश रघुवंशी, शानदार बेटा। क्या हो जाएगा 0.11 या 0.11 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या 0.11, श्रद्धा बमोरे गलत आंसर है बेटा, 3 संख्या बाद दशमलव नहीं लगाना, 2 संख्या के पहले, 1 और 2, 1 और 2 संख्या हो गई और 0 लगाने की क्या जरूरत है। क्या हो जाएगा, इसे 0.13 लिख सकते हैं, इसे 0. कितना लिख सकते हैं 0.17, या 0.17 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 0.17 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलें एक चीज़ और बता दूं, आज से, आज कल और परसों 3 दिन तक रात वाली क्लास भी नहीं रहेगी, हो सकता है सुबह वाली भी ना रहे, क्योंकि मैं थोड़ा छुट्टी में जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं रात को बताऊंगा कि इन 3 दिनों में, अभी बताऊंगा वीडियो के बाद, इन 3 दिनों में आपको क्या करना है, 2-3 दिनों में, ठीक है। ये हो गया 11/100.11, 13/100.0.13, 17/100.0.17। अब आगे देखें, आगे क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखें, 1/1000, बड़े आराम से करना, 1/1000, इसका मान क्या हो जाएगा 1/1000, उसके बाद 2/1000, 2/1000, 3/1000,
इनका मान क्या हो जाएगा ये बताएं। 1/1000, 1/1000, 2/1000 और 3/1000, इनका मान दशमलव भिन्न में क्या हो जाएगा? 1/1000, 2/1000, 3/1000। पंकज पढ़ते बहुत शानदार बेटा, चले प्रदीप डहरिया जी शानदार भाई, ज्योति पंद्रे बहुत सही आंसर, चले क्या हो जाएगा? लोकेश विश्वकर्मा, कपिल रघुवंशी बहुत बढ़िया, नरेश सेन जी। सबसे पहले आपको देखना कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, खत्म कहानी, ठीक है? जीरो कितने, 1 2 3, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या बाद जीरो, ठीक है? या तीन संख्या के पहले जीरो, तीन शून्य, तीन, 1 2 और 3, तीन संख्या और पहले जीरो, क्लियर है? अब कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, इससे ज्यादा समझाने से बिल्कुल। पंकज प्रत्यय गलत कर रहे हो, देखो तीन जीरो है नीचे तो यहां पर भी कितनी संख्या आना चाहिए दशमलव के बाद, तीन, या तीन संख्याओं के पहले क्या लगना चाहिए, दशमलव लगना चाहिए, 1 2 3, दशमलव के बाद यहां पर भी तीन संख्याएं हैं और दशमलव के बाद यहां पर भी तीन संख्याएं हैं। चले उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, आगे देख लें। मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ पूरे नियम इसके, आप इसे नोट कर लें, ये रहे नियम, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, चलें बहुत शानदार। आगे देखें क्या करना है, आगे क्या करना है, मैं कुछ मान दे रहा हूं, बताना कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, क्या बताना है कि कौन से मान बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। देखें बोर्ड पर ध्यान से देखें, बताना ए वाला बड़ा है या बी वाला बड़ा है, ए और बी, दशमलव दो और बी बराबर दशमलव 200, कौन सा मान बड़ा है ये बताएं, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है, दशमलव दो और दशमलव 200, कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है, आप ये कमेंट करें। 0.2 and 0.200 या 200, ए बड़ा है या बी बड़ा है, कौन सा मान बड़ा है कौन सा मान छोटा है, चले गलत गलत आंसर दे रहे हैं। लोकेश विश्वकर्मा सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ए बड़ा है। संजय तिवारी जी ए बड़ा है, बहुत बढ़िया। विशाल रघुवंशी ए बड़ा है। प्रदीप डहरिया ए बड़ा है। महिमा यादव ए बड़ा है, शानदार। ममता हिरवार ए बड़ा है। अभय कुशवाहा जी बी छोटा है। अंकिता विस्मर कर्मा कुछ भी बोल रहे हो, दोनों बराबर है, गलत आंसर है। कपिल रघुवंशी दोनों बराबर, गलत आंसर है। चले नरेश सेन दोनों बराबर है, गलत आंसर है। चले और कोई बताएगा, और कोई बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। शिवानी रघुवंशी ए बड़ा है, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई, चलिए देखें। 0.2 मतलब 2/ कितना हो जाएगा, 10। 2/ कितना हो गया, 10। यहाँ ये क्या है, 200, कितनी संख्या बाद है दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3। तो इधर भी कितने शून्य लग जाएंगे, 1 2 3, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2/10 बराबर 2/10, दोनों संख्याएं आपस में बिल्कुल बराबर है, कोई ना कम है ना कोई किसी से ज़्यादा है, क्या है, दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, जो अपने उत्तर पर अडिग रहे, जैसे कि अभिषेक दुबे जी दोनों बराबर है, ठीक है, कपिल रघुवंशी दोनों बराबर है, अंकिता विश्वकर्मा दोनों बराबर है और प्रिंस कुमार रघुवंशी दोनों इक्वल है, उनके आंसर पर सही है, बाकी लोग गुमराह किए गए हैं कि
ए बड़ा है और बी बड़ा है। ये दिक्कत कब आती है? जब आप दूसरे का आंसर देख के टाइप करते हो। क्या आएगा बेटा? दोनों कैसे हैं? बराबर है। देख लें उदाहरण, एक संख्या बाद दशमलव, एक दशमलव के बाद एक संख्या, तो नीचे एक शून्य। यहाँ दशमलव के बाद तीन संख्या, तो नीचे तीन शून्य। दो शून्य से दो शून्य चले जाएंगे अपने कहाँ पर? ऊपर। 2/10 बराबर 2/10। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों बराबर हैं। क्या है बेटा? दोनों बराबर हैं। जिनके आंसर दोनों बराबर हैं वह बिल्कुल सही हैं, बाकी सभी आंसर गलत हैं। अगला प्रश्न देखें। अब बताना, दशमलव 3000 और दशमलव 30, इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? ए और बी लिखी हैं दो संख्याएं, ए और बी लिखी हैं दो संख्याएं, बताएं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? अब बताएं, दशमलव 3000 और दशमलव 30, इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? बताएगा आप कोई? चले, अब बोल रहे हैं सभी कि दोनों बराबर है। कैसे हैं? दोनों बराबर है। अब सही आंसर है। अब फिर से क्या है? सही आंसर है। क्या जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। समझे चीजों को, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। क्या आएंगे? दोनों इक्वल है। जैसे कैसे देखें, यहाँ पर चार संख्या है, तो 3000 का 3000, चार संख्या एक के बाद चार शून्य, 1, 2, 3 और 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3। आंसर कितना आ गया? 3/10। इसका मान कितना आया? 3/10। ये कितना है? 30। नीचे कितने शून्य? 1 और 7 में 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। 3/10 बराबर 3/10। दोनों संख्याएं कैसी है? बराबर है। नियम लिखो, नियम नोट करो। चले, नियम लिखें आप। नियम नोट करें, ये टिप्पणियां लिखी है दो, दिख रही है। दशमलव बिंदु के बाद के अंकों में कितने ही शून्य लगा दें, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। टिप्पणी दिख रही है आपको स्क्रीन पर, इसे आप कॉपी में लिख लेंगे। दशमलव बिंदु के बाद के अंकों में अंत में कितने ही शून्य लगा दें, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। टिप्पणी नंबर एक। टिप्पणी नंबर दो क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो, तो वह अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। पहली वाली टिप्पणी आप समझ चुके हो, मैं दूसरी वाली आपको समझा देता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। देखें, दोनों टिप्पणी आप देख चुके हो क्या क्या है। अब समझें इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ ये है, इनका अर्थ समझ लें। यदि आपको एक संख्या दी है दशमलव आठ, कितनी दी है? दशमलव आठ, तो ये आठ के बाद, काय के बाद? आठ के बाद, दशमलव के बाद आठ है, इसके बाद आप एक शून्य लगा दो, या दशमलव आठ के बाद आप दो शून्य लगा दो, या दशमलव आठ के बाद तीन शून्य लगा दो, या दशमलव आठ के बाद चार शून्य लगा दो, या दशमलव आठ के बाद तब तक आप शून्य ना लगाते रहो जब तक आपके पेन की स्याही खत्म ना हो जाए, लेकिन दशमलव आठ के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम जो लिखा था, ऐसे ही दशमलव दो को क्या लिख सकती हूँ? दशमलव दो बराबर दशमलव दो शून्य बराबर दशमलव दो शून्य शून्य बराबर दशमलव दो शून्य 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 बराबर दशमलव 2000000। लगाते रहो जितना, जब तक पेन की स्याही खत्म ना हो जाए। मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद कितने कोई संख्या है, और संख्या के बाद यदि कितने भी शून्य लगा रहे हो, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक चीज और समझ लें, दशमलव 3
और दशमलव 0.3 क्या दोनों बराबर हैं ए और बी। प्रश्न अब थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखें, क्या 0.3 और 0.03 दोनों बराबर हैं या बड़े छोटे हैं, बताएं। 0.3 और 0.03 दोनों बराबर हैं या बड़े छोटे हैं। ए और बी के मान लिखें, 0.3 चले नहीं है बराबर, क्या जाएगा नहीं है बराबर, 0.3 और 0.03 दोनों बराबर नहीं है। कारण देखो क्यों, कारण बताते हैं, देखें कारण क्या हो जाएगा, नहीं है दोनों बराबर, बहुत बढ़िया। 0.3 बराबर 3/10, 0.03 बराबर 3/100, कितना आ गया 3/100। अब यदि इसके अंश में मतलब 3/10 बराबर नहीं है, कितना जाएगा 3/100 के बराबर नहीं है, बहुत बढ़िया। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में, ठीक है। दशमलव भिन्न से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, इबारत वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब दूसरी टिप्पणी का अर्थ समझें, चलें चलें, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा हो जाएगा 0.3, कौन सा बड़ा हो जाएगा 0.3 बड़ा है किससे, 0.03 से। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 में हम मात्र 10 का भाग दे रहे हैं और इसमें कितने का भाग दे रहे हैं 100 का, मतलब यहाँ 3 के 10 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ 3 के कितने हिस्से हो रहे हैं, भाग मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, बोले मेरा इतना भाग है मेरा उतना भाग है, ये सब सुने होंगे आपने, बहुत शानदार। 3 के यहाँ कितने हिस्से हो रहे हैं 10 हिस्से, यहाँ 3 के कितने हो रहे हैं 100 हिस्से, तो 10 हिस्सा वाला भाग क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बहुत बढ़िया शानदार। अब आगे देखें, ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, पॉइंट जीरो सेवन और 1.02, इसे कितना लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें। आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तो मैं अच्छे बड़ा कर देता हूँ थोड़े शब्दों को, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई दशमलव वाला बात है। 0.07 और 0.02 को हम कितना लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, ये सब हम समझेंगे, बताएं। 0.07/1.02 को हम कितना लिख सकते हैं, कमेंट करें। 7/102, बहुत बढ़िया अभय कुशवाहा। देखें यहाँ पर भी दो संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ पर भी दो संख्या के पहले दशमलव है, तो दोनों जगह से दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बहुत बढ़िया। दोनों संख्या जगह से दशमलव कैसे हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 1.02, ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 1.02। अब ऐसा क्यों आता है, आप ये समझ ले, आ तो गया भाई, ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया, लेकिन ऐसा क्यों आता है, इसको समझने के लिए आप 2 मिनट स्क्रीन पर बहुत आराम से देखें, बिना किसी कमेंट करें। देखें 0.07 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.07/100, ऐसा लिख सकते हैं 0.07/100। उसके बाद बटे में कितना है, 1.02/ कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा 100, यहाँ से दशमलव हट जाएगा और यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, दिक्कत है क्या, नहीं है। देखें यहाँ पर भी दो संख्या बाद दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव, तो दो संख्या नीचे शून्य, यहाँ पर भी 2 शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 7/1.02, यही इस सवाल का आंसर है, 7/102। या दूसरा तरीका इसे हल करने का क्या हो सकता है, देखें दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहाँ पर क्या है, दो संख्या बाद दशमलव है, तो नीचे 1 के साथ 2 शून्य, नीचे ये वाला दशमलव हटा तो नीचे 1 के साथ 2 शून्य, यहाँ ये वाला दशमलव हटा तो ऊपर 1 के साथ 2 शून्य, 1.02/1.02 बराबर कितना आ गया 7/102। मुझे नहीं लगता इसमें कोई संदेह होगा आपको, ठीक है,
कोई डाउट है इसमें बेटा? चलें, कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं होगा। आगे देखें, आगे प्रश्न है, आपको बोलता हूं सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। हमारा काम चीजों को सरल करना है, कठिन नहीं करना है। सरल कीजिए, सरल कीजिए। प्रश्न ध्यान से देखें, क्या लिखता हूं मैं बोर्ड पर, उनको सरल करके बताना है। चलें, चलें भाई, सरल करना है। अब देखें क्या हो जाएगा, 9.2 बटे 11.5, इसको सरल करो। इसको क्या करो? सरल करो। प्रश्न नंबर ए, इसको सरल करना है। देखें क्या है, 9.2 अपॉन 11.5। देखें दशमलव भिन्न की ज़्यादा से ज़्यादा तीन क्लास होगी। कितनी क्लास होगी? तीन, और कम से कम दो या तीन प्रश्न, कम से कम दो या तीन प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कम से कम दो और ज़्यादा तो तीन चार पाँच प्रश्न तक दशमलव भिन्न से पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत से बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते क्या है, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, साधारण ब्याज पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, नंबर पर आधारित अंक संख्याओं पर आधारित प्रश्न करते हैं, बॉड मास पढ़ते हैं, वर्गमूल और घनमूल पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा। फिर वही कहानी, बहुत जल्दबाजी में रहते हो ये तुम लोग। प्रिंस कुमार रघुवंशी 92/115 गलत आंसर है। बहुत जल्दबाजी में रहते हो, बहुत जल्दबाजी में। देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा? 92 और 115। अब देखें इसे आप क्या लिख सकते हो, 92 को क्या लिख सकते हो, 92 को कैंसिल करके देखो, चार से कट जाएगा, चार एकम चार, चार दुनी आठ, कितना बचा एक, हो गए कितने 12, चार तीया 12। इसे आप लिख सकते हो 4×23, कितना लिख सकते हो 4×23, चार तीया 12 का 2 और चार दुनी 8 और 1 9। अब देखें 115 कैसे कैंसिल होगा, 115 कैसे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, बचा 1, हो गए 15, 5 तीया 15। इसे लिख सकते हो 5×23, इसे क्या लिख सकते हो 5×23। बड़े आराम से क्या करो, 92 को लिखो 4×23 और नीचे 115 है उसे लिखो 5×23। चलें, प्रिंस कुमार रघुवंशी बोल रहे हैं कि 92/115 ही आएगा। नहीं, हर बार हम मूर्ख नहीं बनाते हैं, इस बार सही में 92/15 नहीं, 115 नहीं आएगा। अब बताओ कितना आएगा, आधा प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया हूं, अब बताएं कितना आएगा। चलें, चलें भैया बोर्ड पर देखो आंसर, बताओ कितना आएगा। चलें, 4/5 आएगा, 4/5 आएगा, बहुत बढ़िया। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4/5, आंसर कितना आएगा 4/5। मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, बहुत बढ़िया। कितना आएगा 4/5। अगला देखें, अगला क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 है आपका, .152 upon .1.02। ध्यान से देखें, .152 upon .024, 0.152/1.024 क्या है, 1.0052
बटे 1.024, इसका आंसर बताएं क्या जाएगा। चले विशाल रघुवंशी क्लियर है सर, चले भाई बहुत बढ़िया भाई, ऐसे एक दो मैसेज कर दिया करो बीच में तो मुझे क्लियर हो जाता है। 0.152 / 1.024, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताएं। इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो इसे ऐसा लिख लो, पहले इसे ऐसा लिख लो, यहां पर भी तीन संख्या बाद दशमलव, यहां पर भी तीन संख्या के पहले दशमलव, यहां पर भी तीन संख्या के पहले दशमलव, तो दोनों कैसे आ जाएंगे एक दूसरे के बटे में। ठीक है, दशमलव दोनों जगह से हट जाएगा। 2 से काट लो, 2 7 14 कितना बचा, 1 हो गया 12, 2 6 12, 2 से काट लो, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 से काट लो, 2 3 6, 2 8 16, यहाँ 2 से काट लो, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, ठीक है, 2 2 4 कितना बचा, 1 हो गए 11, 2 5 10 और 2 6 12, फिर काट लो इसको 38 से, 2 से काट लो, 2 1 2, 2 9 18, 2 से काट लो, 2 1 2 कितना बचा, 5, 2 2 4, 2 8 16, 19/128 कितना आ गया, 19/128, और कट जाएगा क्या, उन्नीस बटे 128 या 38/256, जो भी आंसर आए बिल्कुल सही है। चले भाई राहुल नामदेव सर जी गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई आपको सभी को, जो बच्चे रात को परेशान हो गए उनके उनसे क्या है भाई, उनसे अभी बात करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चले एक ही कमेंट बार बार ना करें, चले भैया राहुल भाई एक ही कमेंट बार बार ना करें, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, आप भी कोशिश करें कि अच्छे से आंसर दें जो क्वेश्चन लिखे हैं। चलें अगला प्रश्न देखें, बहुत शानदार सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। 0.25 इसमें 2 नियम लगेंगे, 0.25 / 0.125 और 0.125, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलें इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएं। 0.25 / 0.125 इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा आप बताएं। आपने 2 नियम पढ़े हो, दोनों नियम इसमें एक साथ लगेंगे, अभी आपने 2 नियम पढ़े हो, दोनों नियम एक साथ लगेंगे, देखें कैसे लगते हैं, समझें इस सवाल को, समझें, बहुत आसान सवाल है। राहुल बरोले बहुत बढ़िया, मुस्कान सैन बहुत शानदार, राहुल नामदेव बढ़िया, नरेश सैन शानदार, ज्योति पंद्रे बहुत बढ़िया, आकाश रघुवंशी, सी चौबे जी 2, अच्छे से बताएं, अच्छे से बताएं इसका आंसर कितना आएगा। 0.25 / 0.125 सवाल को ध्यान से देख लें, फिर ये मत बोलना सर दिख नहीं रहा था, मैं अच्छे से लिख देता हूं, 0.25 / 0.25 और 0.125, इसका मान कितना आएगा, 0.25 / 0.125 इसका मान कितना आएगा। अभी मैंने आपको 2 नियम पढ़ाया हूँ, दोनों नियम इसमें एक साथ लगेंगे, कितने नियम, 2, और दोनों कैसे एक साथ लगेंगे, ठीक है, एक नियम से इसमें काम नहीं चलेगा, बताएं क्या आएगा। चलें गलत आंसर है, चलें बड़े आराम से करें, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो, किसी ने कुछ आंसर बताया वही देख के बता देते हो, ठीक है। आप यदि गलत भी बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका खुद का आंसर होना चाहिए, किसका, आपका खुद का आंसर। देखें सबसे पहले दशमलव के बाद, अब यहां बोर्ड पर देखो बेटा, कमेंट करना बंद करो, यहां बोर्ड पर देखो, यहां दशमलव के बाद कितने भी शून्य लगाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां लिख लो 0.25
और दो शून्य और लगा दो, दो शून्य और लगा दो, क्यों? क्योंकि नीचे चार शून्य है तो ऊपर भी चार शून्य बना लो। यहाँ पर हो जाएगा दशमलव 0125, कितना हो जाएगा? 0125। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखें अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2500, और यहाँ पर कितना जाएगा? 125, यहाँ कितना जाएगा? 125। बहुत ध्यान से देखें इसे कैसे चले। नमन श्रीवास, स्वागत है भाई आपका। आगे देखें क्या हो जाएगा, 2500 को क्या लिख सकते हो आप? 25 गुणित 100, ये काटने की सुविधा की दृष्टि से 125 का 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, आंसर कितना जाएगा? 20 आ जाएगा, आंसर कितना जाएगा? 20, यही आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखें क्या किए हमने, बहुत बढ़िया, कितना आंसर आएगा? 20। यहाँ पर, यहाँ अगर क्या था, यहाँ पर ये था कि 0.25, कितना था? 0.25। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने भी शून्य लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे चार संख्या के पहले दशमलव था तो यहाँ चार संख्या के पहले दशमलव बना लिए। इधर हो गया 2500 तो 2500, 125 का 125, 2500 को 25 गुणित 100 लिखे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से 20 बार चला जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को? चलें अगला देखें। अब है दशमलव बिंदु को जोड़ना। अभी हमने दशमलव लगाना, दशमलव हटाना ये सब पढ़ लिए। चलो एक सवाल और देता हूं इसी प्रकार का, आप करके बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 0.05 बटे 0.1225, इसका मान कितना आएगा? 0.05 बटे 0.1225, 0.05 बटे 1225, इसका मान कितना आएगा बेटा? चलें 0.05 बटे 0.1225, चलें बताएं इसका आंसर कितना आएगा? चलें भाई सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। 0.05 बटे 0.1225, इसका मान कितना आएगा? आराम से टाइम है 2 मिनट का आपके पास। देखें क्या आएगा आंसर। 0.05 को क्या लिख सकते हो? 0.05 और कितने शून्य? 2 शून्य बटे, इधर कितने शून्य जाएंगे? 0.1225, दोनों जगह से दशमलव हटाओ, हटा दो, यहाँ आ गया कितना? 500, यहाँ कितना आ गया? 1225, 1225। अब ध्यान से देखें हम क्या लिख सकते हैं, 5 से काटो, 5 से 100 को कितने बार? 500 को 100 बार, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गए 22, 5 चौक 20, बचा 2 हो गए 25, 5 पचम 25, कितना आ गया? 100 बटे 245। अब यहाँ आगे लिख लो 100 बटे कितना? 245, 100 बटे 245, 2 4 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 से काटो 5 चौक 20, बचा 4 हो गए 45, 5 9 45, जिन बच्चों का आंसर 20 बटे 49
20 अपन 49 आया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखें, प्रदीप डहरिया, श्रद्धा बम्हुरे, नरेश सेन, मुस्कान सेन, अभय कुशवाहा, शिवानी रघुवंशी, आकाश रघुवंशी, ज्योति पंद्रे, चौबे सी चौबे, महिमा यादव, अंकिता विश्वकर्मा, प्रेरणा सोनी, नमन श्रीवास, प्रिंस कुमार रघुवंशी, ज्योति पंद्रे, ठीक है, प्रदीप डहरिया, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। आगे देखें, चलें आगे क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्नों को जोड़ना, हेडिंग क्या जाएगी, दशमलव भिन्नों को जोड़ना, दशमलव भिन्नों को जोड़ना, दशमलव भिन्नों को जोड़ना, को जोड़ना, ऐड करना है, ठीक है। अब इनके लिए सामान्य नियम देख लो क्या जाएगा, इसके लिए सामान्य नियम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, एक बार नियम आप आराम से पढ़ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है दशमलव भिन्नों को जोड़ना, नियम लिखा है, दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार लिखते हैं कि उनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहें। अब इन संख्याओं को सामान्य विधि से जोड़ते हैं, उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते हैं, इसी प्रकार घटाने की प्रक्रिया की जाती है। दशमलव बिंदु को जोड़ना एवं घटाना, हेडिंग है दशमलव बिंदुओं को जोड़ना एवं घटाना, ठीक है। अब जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं काय को, दशमलव बिंदु को, उसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे, उसके बाद भाग करना सीखेंगे, लेकिन किसको, दशमलव बिंदु को। चलें, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है सब कुछ। लिखें, 36.4 धन 72.2, ध्यान दें, 36.4 धन 72.2, इसे कैसे जोड़ेंगे, ये नियम आप बाद में देख लेना, और वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके इसको बता दोगे। प्रेरणा सोनी, क्लियर है सर जी। चलें आगे देखें क्या हो जाएगा, चलें, आकाश रघुवंशी क्लियर है, बहुत बढ़िया, अखिलेश चौरिया क्लियर है, विशाल रघुवंशी क्लियर है। देखें, जो लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो रात को बेचारे परेशान हो गए, वो मेरी कुछ बातें और सुन लेंगे वीडियो ख़त्म होने से पहले, या बीच में बता दूंगा मैं, एक आध घंटे, एक डेढ़ घंटे हो जाए वीडियो ख़त्म, एक घंटे के बाद लगभग, तो वो परेशान नहीं होंगे आगे वाले दो तीन दिनों में, क्योंकि क्लास हो सकता है बंद रहे, हो सकता चलें। देखें क्या हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, 36.4 बटे 72.2, यही है, 36.4 बटे 72.2, बटे के नीचे बटे लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो गया 6, 6 और 2 हो गया 8, और 7 और 3 हो गया 10, एक संख्या के पहले दशमलव, तो यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव लगा दो, कितना जाएगा, 108.6, ये तो कोई भी बता देता। अगला देखें, अगला बताएं तो जाने, चलें बयासी दशमलव पाँच धन 8.34, ध्यान से देखें प्रश्न को, 82.5 धन 8.34 इसको जोड़ना है, 82.5 धन 8.34 इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, चलें बताएं, 82.5 और 8.34 यहाँ है, 82 कितना था, 5, 82.5 और 8.34 इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा बताएं आप, चलें बताएं,
82.5 और 8.34 को हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। किसी भी अलग प्रकार के फॉन्ट कमेंट बॉक्स में दिखाई नहीं देंगे, आप जो नॉर्मल फॉन्ट है उससे कमेंट करें, नॉर्मल चीज़ें कमेंट करें। चलें, राहुल बरूले 90.84, अंशुल रघुवंशी 90.84, ममता हिरवार 90.84, बिक्की उइके, विशाल रघुवंशी, श्रद्धा भमोरे, प्रदीप डहरिया, हिमांशु रघुवंशी, मुस्कान सेन, मीनू शिवहरे, आकाश रघुवंशी, कपिल रघुवंशी, ज्योति पंद्रे, अंकिता विश्वकर्मा। बहुत शानदार आंसर सभी के। देखें इसे कैसे करना है। सबसे पहले दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि 82.5 को 82.5 लिखें, 8.34 को 8.34 लिखें। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। काय के नीचे क्या आना चाहिए? दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। चार का चार लिखा रहने दो, 5 और 3 8 हो गया, दशमलव लगा दो, 8 और 2 10 का 0 1, 8 और 1 9, 90.84। आंसर कितना जाएगा? 90.84। इसकी दूसरी मेथड क्या हो सकती है? दूसरी मेथड देखें, 82.5 को हम 82.50 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लगाओ, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद क्या लिख लो? 8.34, 8.34। अब जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया, और 82 और 8 90 हो गया, 90.84। दोनों सेम है। एक में क्या लगाए हमने? बाद में शून्य लगा दिए ताकि हमको जोड़ने में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसा लिखने में थोड़ा अजीब लगता है। देखें, यहाँ पर दो संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी एक शून्य लगा के इसे दो संख्या के पहले दशमलव लगा दो, तो ऐसा जोड़ दो, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलें अगला देखें। बहुत शानदार, जिनके आंसर 90.84 आए हैं, बिल्कुल शानदार आंसर है, बहुत ज़बरदस्त आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? थोड़ा कठिन है। 0.874, 0.874, 0.874 धन 2.96, धन 2.96, धन 3.5, धन 3.5। इसका आंसर बताना है। देखें, 0.874, 2.96, धन 3.5, इसका आंसर बताना है। ये 8.74 है बेटा, 8.74, 7 और 4। दिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप देख लें, 8.74, 2.96, धन 3.5, इनका आंसर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। उसके बाद जोड़ने की कहानी ख़त्म करेंगे, फिर घटाने वाला चालू करेंगे, एक सवाल घटाने का और फिर आगे बढ़ेंगे। घटाने का भी लिख देता हूँ, 82.50 ऋण 32.25। ये जोड़ दें पहले वाले को, दूसरे वाले को घटा दें, जहाँ कहानी ख़त्म। गुणे पे आ जाते हैं, गुणा में बड़ा खतरनाक नियम है इसका। चलें, 7.334 कितना जाएगा? थर्ड ए का 7.334 बता रहे हो, देखो कैसे करना है। चलें, जिनसे बन गया है वो दूसरा करें। चलें, क्या है भाई, यहाँ देखें ध्यान से, क्या है? 0.874 कितना है? 0.874, उसके बाद कितना है? 2.96, 7 में 0 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5, 2 0 और लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8 का 8, 6 7 और 6 13 का 3, बचा 1, 8 और 1 9 और 9 18 और 5 23 का 3, बचा 2, 2 और 2 4 और 3 7, 7.334 जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही है, 7.334। बहुत बढ़िया। अगला भी आ गया आपसे, बहुत समझदार लग रहे हो। 82.50 में से ऋण घटाना कितना है? 32.25, क्या हो जाएगा? 5.25। यहाँ शून्य का कितना मान लेंगे? 10 10 में 5 गया 5, यहाँ 4 बचा 4 में से 2 गया 2, 50.25 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, अगला नियम देख लें स्क्रीन पर आप पहले, उसके बाद करेंगे।
ये रहा स्क्रीन पर नियम। चलें नियम को ध्यान से पढ़ लें। चलें दशमलव को एक पूर्णांक से गुणा करना बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने अंकों से पहले लगाएं, पहले पूर्व है ना, जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में है। क्या है? बिना दशमलव बिंदु का दशमलव भिन्न का एक पूर्णांक से गुणा करना। पूर्णांक मतलब बिना दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या से गुणा करना। चलें देखें इसे कैसे हो जाएगा। नियम दिख रहा आपको स्क्रीन पर। चलें भाई एक चीज समझ लें, नियम दिख रहा है स्क्रीन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा करना बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके गुणनफल में। चलें सो हो रहा है सर, बहुत बढ़िया, शानदार भाई प्रिंस। यस सर। चलें नमन श्रीवास, यस सर। महिमा यादव, यस सर। चलें क्या है? बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके गुणनखल में दशमलव बिंदु उतने अंकों से पहले जितने की दी गई दशमलव भिन्न वाली संख्या में है, दिख रहा है। चलें बहुत बढ़िया, यस सर। अब समझें इसे कैसे करना है, इसका नियम क्या बोलता है और इसे हमें कैसे करना है, क्या है नियम समझ लें। आपसे ये पूछा जाए 24.7 × 12 प्रश्न क्या है, चौथे का ए 24.7 × 12 क्या दिया है, 24.7 × 12। सबसे पहले क्या करो, दशमलव को भूल जाओ, 2, 4, 7 का 12 में गुणा कर दो, 2, 4 और 7 का 12 में गुणा कर दो, और एक संख्या के पहले दशमलव है इसलिए जो भी आंसर आए उसमें एक संख्या के पहले दशमलव लगा दे। पहला प्रश्न आपका क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखें, मैं आपको दे रहा हूँ, करना आपको ही। पहला है 5.5 × 8, पहला प्रश्न ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीन ही करेंगे आगे फिर भाग देना सीखेंगे। 8.32 × 2, दशमलव को पूर्णांक से, ये दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव है और ये पूर्णांक वाली संख्या है, ये पूर्णांक है, दशमलव को हम पूर्णांक से गुणा करना सीख रहे हैं, बताएं कितना आएगा। बताएं कितना आएगा, पहले का आ गया है 2, 9, 6.4, 12, 12, 7, 84 का 4 बचा 8, 12, 4, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 का 6 बचा 5, 12, 2, 24 और 5 29, एक संख्या के पहले दशमलव, तो एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। हम जब गुणा करेंगे तो ये भूल जाएंगे कि दशमलव कहाँ है, दशमलव गिनते किधर से है, दशमलव गिनते इधर साइड से है, किधर से, इधर साइड से, इकाई दहाई तरफ से, कितने संख्या के पूर्व दशमलव है, एक संख्या के पूर्व, बहुत बढ़िया। सी का, बी का देखें, 8 से 8 × 5 = 40 का 0 बचा 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, एक संख्या के पूर्व दशमलव कितना जाएगा 44.0 या 44, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, 44.0 नहीं आएगा, कितना आएगा 44 आएगा, क्योंकि 44 दशमलव के बाद शून्य का कौन सा महत्व बचा, नहीं है। देखें 44.0, यही तो चीज आपको सीखना है, 44.0 को आप क्या लिख सकते हो, 44, 440 / 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 44 आ गया,
चौवालीस दशमलव शून्य क्यों लिख रहे हो आप लोग? चलें तीसरा देखें, थर्ड का देखें, दो से गुणा कर दे दशमलव भूल जाए, दो दूनी चार, दो तीया छः, दो अट्ठे सोलह, दो संख्या के पहले दशमलव, ये ठीक है। आगे देखें, अगला नियम देखें, ये क्लियर हो गया है उम्मीद है आपको। अगला नियम ये रहा, चलें तीनों एक बार नोट कर लें, क्लियर हो जाए तो बताएं। अगला नियम मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलें चलें एक बार जय जवान जय किसान बोल दो, ठीक है? क्योंकि हम बचपन में क्या करते थे, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो बच्चों को बोलता था नारा बोलो, तो महात्मा गांधी की तो धीरे से जय, जवाहरलाल नेहरू की धीरे से जय, फिर बोलते थे कुछ भी चीज़ बोल दो ऐसा, तो धीरे से बोलते थे जय। और मैंने धोखे से बोल दिया जो हमसे टकराएगा, फिर इतनी ज़ोर से आवाज़ आती थी मिट्टी में मिल जाएगा बोले। देखें बच्चों की मेंटलिटी समझे, नारा लगाते वही है जो उनको मज़ा आता है। पहले क्या बोला मैंने कि बोलो महात्मा गांधी की जय, तो बहुत धीरे बोलते जैसे कि खाना खा के नहीं आए होंगे घर से, क्या बोलते हैं जय बोले। जवाहरलाल नेहरू की तो बहुत धीरे से जय, और जैसे ही बोला जो हमसे टकराएगा डायरेक्ट क्या बोलते मिट्टी में मिल जाएगा, और इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। चलें जय जवान जय किसान भैया, जय हिंद सभी को, जय जवान जय किसान। थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए, मन लगा रहे, शानदार। आगे देखें, किसका नारा था ये जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री जी का, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। चलें आगे देखें क्या हो जाएगा। विकास देहरिया जय हिंद, जय हिंद भाई, अभय कुशवाहा जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान, मीनू सिवरे जय जवान जय किसान, अंकिता विश्वकर्मा जय जवान जय किसान, विकास देहरिया जय जवान जय किसान। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। देखें अगला प्रश्न क्या है, अगला ये समझ लें, किसी दी गई संख्याओं को दशमलव भिन्नों का गुणा। दशमलव भिन्नों का गुणा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी दशमलव है, तीन दशमलव दो है, गुणित ग्यारह दशमलव दो है, ग्यारह दशमलव एक है। देखें तीन दशमलव दो है और ग्यारह दशमलव एक है, दोनों जगह दशमलव है। पहले एक जगह पूर्णांक था और एक जगह दशमलव था, अब क्या हो गया, अब दोनों जगह क्या हो गया, दशमलव हो गया। उसके लिए सामने नियम है, नियम उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। नियम देखें, दी गई संख्याओं को बिना दशमलव बिंदु के गुणा कर लेते हैं, गुणनखल में दशमलव बिंदु उतने ही स्थानों पूर्व लेते हैं जितना कि दी गई भिन्नों के दशमलव स्थानों का योग है। देखें इसे कैसे, नियम है बेटा, ये आपके लिए मेहनत की जाती है, क्रॉप किया जाता है, स्लाइड बनाई जाती है ना, बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में। क्लियर है, ये दिख रहा है सबको? चलें अब इसको समझ लो, लिखा है वो तो आपने नोट कर लिए होंगे। चलें बहुत बढ़िया, लोगों के तो आंसर भी आने लगे, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो। क्या है, 32.111 गुणित कितना, 32 गुणित 11.11, इसे ऐसा लिख लो 32 गुणित 111, ठीक है? 32 एकम 32 का 2 बचा कितना 3, 32 एकम 32 और 3 35 का 5 बचा कितना 3, 32 एकम 32 और 3 कितना हो गया 35, कितना आ गया 3552।
कितना आ गया 3552। इसमें दो संख्या के पूर्व दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। चले अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सिर्फ आप डायरेक्ट एक शब्द में आंसर देंगे। प्रश्न नंबर ए, एक दो दशमलव तीन एक चार, इसमें कितने संख्या पूर्व दशमलव है, एक आंसर दें। पाँच एक आंसर करके टाइप करें, कितने संख्या के पूर्व दशमलव है या कितने संख्या के पहले दशमलव है बताएं, कितने संख्या के पहले दशमलव है। प्रश्न ध्यान से सुने, क्योंकि ये छोटे छोटे कंफ्यूजन ही आपको परीक्षा में डाउट क्रिएट करते हैं। बहुत बढ़िया, कितने संख्या के पूर्व, तीन संख्या के पूर्व, गिना किधर से जाता है, एक संख्या दो संख्या और तीन संख्या, तीन संख्या तीन अंकों के पूर्व, कितने अंकों के पूर्व, तीन अंकों के पूर्व, अंक है संख्या नहीं, सॉरी, तीन अंकों के पूर्व, तीन अंकों के पूर्व दशमलव है, कितने अंकों के पूर्व, तीन अंकों के पूर्व दशमलव है। चले तीन के पहले अगला प्रश्न देखें, बी 8.6421 में कितने अंकों के पूर्व दशमलव है, कितने अंकों के पूर्व दशमलव है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। गणेश श्रीवास जी, तीन अंक, बहुत बढ़िया, तीन अंकों के पूर्व दशमलव है। और कोई, हिमांशु रघुवंशी, पांच। चलें, दूसरे का आंसर आ गया पांच, बहुत बढ़िया, एक दो तीन चार पांच, कितने अंकों के पूर्व, पांच अंकों के पूर्व दशमलव है। ठीक है, चलें, कहीं कहीं अंक और संख्या में कंफ्यूजन हो रहा है तो अंक और संख्या समझ लें। अंक मतलब क्या होता है, डिजिट, अंक मतलब क्या होता है, डिजिट, और संख्या मतलब कितना होता है, संख्या मतलब होता है नंबर, संख्या मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, अब मैं प्रश्न पूछूंगा, आप डायरेक्ट आंसर देंगे। 1334, 1334, इसमें कितने अंक हैं, कितनी संख्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं। प्रश्न ध्यान से ले, अंक मतलब क्या होता है, डिजिट, संख्या मतलब क्या होता है, नंबर। आप बताएं इसमें कितनी डिजिट है, कितने नंबर है, या कितने अंक है और कितनी संख्या है। प्रश्न ध्यान से सुन लें, कितनी, प्रश्न देखें, संख्या अंक और नंबर में यदि कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अंक और संख्या, कभी कभी अंकों को हम संख्या बोल देते हैं, संख्या को डिजिट बोल देते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं आप। इसमें कितनी डिजिट है और कितने नंबर हैं ये बताएं। चले, इसमें डिजिट है चार, एक दो तीन और चार, डिजिट कितनी है, चार, या अंक कितने हैं, चार। हम बोलते हैं ना, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, बहुत बढ़िया। संख्या कितनी है, मात्र एक ही संख्या है, ये एक संख्या है, 1334 पूरी एक संख्या है, जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, चार है, बहुत बढ़िया, शानदार। अंक और डिजिट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, अंक और डिजिट में कंफ्यूज नहीं होना, अंक डिजिट संख्या नंबर है ना, एक ही बात है, अंक मतलब डिजिट हो गई, संख्या मतलब नंबर हो गया। अगला देखें, अगला थोड़ा सा आसान सा देते हैं आपको, क्या पढ़ रहे थे हम इससे पहले, गुणा करना, क्या पढ़ रहे थे, गुणा करना। लास्ट प्रश्न इस प्रकार का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 36.6 गुणित 0.12, 36.6
गुणित 0.12 इसका गुणा करें, उसके बाद फिर हम भाग देना सीखेंगे। 36.6 गुणित 0.12 इसका गुणा करें, फिर हम भाग देना सीखेंगे। चलें, काय का भाग, दशमलव भिन्नों का भाग, इसका आंसर बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भैया देखें, इसमें दो संख्या पूर्व दशमलव है, कितनी संख्या पूर्व, दो संख्या पूर्व, इसमें एक संख्या पूर्व है, तो दो और एक तीन संख्या पूर्व दशमलव लगेगा, कितनी संख्या के पूर्व, तीन संख्या के पूर्व, तीन संख्या के पहले। तो आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना पालें, कितना हो जाएगा, 12×72 का 2 बचा कितना 7, 12×72 और 7 कितना 79 का 9, कितना बचा 7, 12×36 और 7×43, तीन संख्या के पूर्व दशमलव, 4.392 आंसर कितना जाएगा, 4.392 जिनका आंसर ये है बिल्कुल सही है। अब भाग का नियम देख लें, स्क्रीन पर मैं भाग का नियम लगा देता हूं, ये रहा भाग का नियम। दशमलव भिन्नों को एक पूर्ण, चले भाई देखें प्रश्न क्या है, दशमलव भिन्नों को एक पूर्णांक से भाग देना, दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखे, दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखें, दिए गए पूर्णांक से भाग दें, तथा दशमलव में उतने ही स्थानों से पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव स्थान दी गई भिन्न में है। अब भाग देना सीखेंगे, अभी तक गुणा करना सीख लिए थे, अब देखें भाग देना कैसे करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, देख लें एक बार, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है भाई कभी कभी, ठीक है। अगला देखें, दशमलव भिन्नों को पूर्णांक से भाग देना है, देखें 512 0.512 भागित 8, इसको भाग दो, 0.512 भागित 8, चलें हो जाता है कभी कभी, 0.512 भागित 8 इसको भाग दें, कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बिक्की यूके क्लियर है, आकाश रघुवंशी क्लियर हो गया, प्रिंस रघुवंशी यस सर क्लियर है, आकाश रघु यस सर, चलो भाई सभी को धन्यवाद। देखें 0.512 को 8 से भाग देना, नीचे ऊपर नियम लिखा है, दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखें, दिए गए पूर्णांक से भाग देते हैं, भागफल में उतने स्थानों के पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने दशमलव स्थान पर दी गई संख्या में। देखें
सबसे पहले 8 से भाग दे दो, 8 6 48 बचा 3 हो गए 32, 8 4 32 कितनी संख्या के पहले दशमलव, 3 संख्या के पहले दशमलव, तो 0.064 हो जाएगा, ये 3 संख्या के पूर्व दशमलव हो गया, यहाँ 3 संख्या के पूर्व दशमलव, यहाँ पर भी 3 संख्या के पूर्व दशमलव, कितना जाएगा 0.064 या 0.064 इट द राइट आंसर, कितना जाएगा 0.064। अगला है, लास्ट है, उसके बाद फिर हम अगली विधि देखते हैं। दशमलव 3131 बटे 101 बटे 101 बताएं। 3.131 बटे 101 बताएं कितना आंसर आएगा, भाग दें इसको। देखें जब भी ऐसी संख्या आए तो ऐसा लिख लें 3131 बटे कितना 101, 3 बार भाग जाएगा कितना हो जाएगा 303, बचा कितना यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 निकाल लें 101, 33 बार चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 33 बार, कितने बार 33 बार, यहाँ लिख लें 33, 3 संख्या पूर्व दशमलव मतलब 0.33, कितना जाएगा 0.33, उम्मीद है क्लियर, सॉरी 3131 एक बार गया था बाद में 0.31। चलें क्लियर है भाई, कितना आएगा 0.31। अगला प्रश्न, 6.4 भागित 2, लास्ट प्रश्न उसके बाद आगे करते हैं। 6.4 भागित 2 चलें 0.031 बढ़िया। हाँ भैया बोलिए, इधर आ जाओ, अंदर आके बात करो, क्या बोल रहे हो। कितना जाएगा 3.2। अब आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। हेलो, ठीक है, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, अगले नियम देखें, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, लास्ट प्रकार है ये, इसके बाद हम बंद करते हैं क्लास। कुछ इबारत वाले सवाल देख लेंगे एक दो। चलें, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना क्या है, भाज्य तथा भाजक प्रत्येक को 10 की घात का गुणा करें तथा भाजक को पूर्णांक बनाएं, तब ऊपर दी गई विधि से भाग दें। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देने के लिए क्या करते हैं कि आप दोनों जगह दशमलव को क्या कर लें, मतलब पहले 10 की घात का गुणा करके भाजक को एक पूर्णांक बनाएं, भाजक मतलब नीचे वाली संख्या को एक पूर्णांक बना लेना है, फिर जो भी दिया गया है उससे आप कर लें गुणा। देख लें 0.0256, प्रश्न ध्यान से देखेंगे, 0.0256 बटे 0.016, 0.016 ठीक है। अब यहां बहुत ध्यान से देखोगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के, कितने तरीके, दो तरीके, पहला तरीका भी देख लो और दूसरा तरीका भी आप देख लो, ठीक है।
पहले तरीके में क्या करेंगे, यहाँ तीन संख्या बाद दशमलव तो यहाँ ऊपर तीन शून्य, यहाँ चार संख्या के पहले दशमलव तो यहाँ चार शून्य, इतना क्लियर है। यहाँ तीन संख्या के पहले दशमलव तो तीन शून्य, यहाँ चार संख्या के पहले दशमलव तो चार शून्य। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव भी हट गया, यहाँ से भी दशमलव हट गया, तो ये दशमलव हट गया और ये भी दशमलव हट गया। अब एक शून्य, दो शून्य और तीन शून्य, एक शून्य, दो शून्य और तीन शून्य, कितना बचा, दो पाँच छ बटे कितना, 160, कितना बचा, 160। इसे कितना लिख सकते हो आप, 25.6/16। अब 25.6/16 को तो भाग दे दोगे आप, 25.6/16 को आप भाग दे दोगे, 25.16 नहीं आएगा। बड़े ध्यान से देखें, प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था 0.,  एक बार और लिख देता हूं मैं, 0.025/16 कितना है, बटे हैं 0.16। प्रश्न को यहां देखें ध्यान से, ये था प्रश्न, प्रश्न क्या था, ये यहां चार संख्या के पहले दशमलव, यहां तीन संख्या के पहले दशमलव, तो उसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 25.6/16। ठीक है, एक दशमलव छः, 25 एकम 25 बचा कितना, 16 एकम 16 बचा कितना, 9, 16 छक्के 96, 1.6 आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा, 1.6। अगला देखें, खत्म करते हैं फिर ये, देखें 3.20 बटे 1.6, 3.20 बटे 1.6 कितना जाएगा, चलें ये बहुत टफ क्लास है भाई, ये कठिन क्लास है थोड़ी, आपको बननी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं कराता, इसको छोड़ देते हैं। 3.20 बटे 1.6 कैसे करेंगे, तीन दशमलव दो शून्य बटे 1.6, देखें इसको कैसा करेंगे, इसे हम ऐसा कर लेंगे, 3.20/16 गुणित ऊपर कितना 10 और नीचे कितना, नीचा जाएगा 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर लो, कितना जाएगा, 320/ कितना, 160। एक शून्य से एक शून्य और कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 2। जिनका आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखें, होमवर्क लिख लें, कमेंट बॉक्स में होमवर्क जरूर बता देंगे, होमवर्क लिखें आप, 0.0185 यहाँ कमेंट नहीं करोगे अभी, ये होमवर्क मतलब, होमवर्क का मतलब होमवर्क, 0.15 इसका बताएं, 0.01 कितना जाएगा, 0.15, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जिनको मैंने बोला था कि अपने अपने ज़िले के बारे में कमेंट करो, 4-5 बच्चों ने किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद फिर IPL देख रहे हैं या पता नहीं मुझे क्या कर रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप यदि आपके ज़िले के बारे में नहीं बताना चाहते, किसी ने बहुत ज़्यादा बता दिया अपने ज़िले के बारे में, तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले के बारे में कुछ भी पता हो, उस वीडियो के कमेंट में कम से कम एक लाइन तो पता होगी छिंदवाड़ा के बारे में, एक लाइन तो पता होगी सागर के बारे में, एक लाइन पता होगी मंडला के बारे में, भोपाल के बारे में, जबलपुर के बारे में। आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति। चलें ये ख़त्म हुआ, उसके बाद देख लेते हैं कुछ और बताने हैं क्या।
चलें लास्ट सवाल, उसके बाद कुछ बातें करते हैं और छुट्टी आपकी। चलें प्रश्न देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने पहले पढ़ा भी चुका हूं, आपके थंबनेल में भी लगा था ये प्रश्न। देखें इसका आंसर कितना आएगा। टेरी रोज 1600 ml मिलीलीटर दूध पीती है, चार सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी। देखें टेरी रोज 1600 ml दूध पीती, मिलीलीटर, चार सप्ताह मतलब 28 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो चार सप्ताह में कितने दिन, 28 दिन। आपको यह बताना है कि 28 दिन में, चलें वीडियो में कमेंट हो जाता है बिल्कुल, आप लाइक करके रखें वीडियो को और लाइक्ड वीडियो में जाएं, वीडियो को उठाएं और वहां कमेंट करें। चलें ग्रुप में किस किस के मैसेज पढ़ूंगा मैं, चलो व्हाट्सएप के बारे में भी एक बात बता दूंगा मैं आपको, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्लास खत्म हो जाए दो क्वेश्चन कर लेने दो, उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है। एक दिन में देखें, एक दिन में कितना पी रही है, 1600 ml, 1600 ml हमें कितने दिन में पता करना, चार सप्ताह, चार सप्ताह बराबर कितना होता है, चार गुणित सात दिन, क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में सात दिन, तो चार सप्ताह में कितने दिन हो गए, 28 दिन, कितने दिन हो गए भाई, 28 दिन। इतना तो सबसे क्लियर होगा, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में होता है सात दिन, तो चार सप्ताह में हो गया 28 दिन। अब एक दिन में 1600 ml, एक दिन में कितना ml, 1600 ml, तो चार सप्ताह में कितने ml, देखें आंसर क्या आता है। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा, 28 गुणित कितने ml, 1600 ml, 1600 ml। अब क्या हो जाएगा, दो शून्य के दो शून्य, 16 अट्ठे कितना होता है, 128 का 8 बचा 12, 16 दूनी 32 और 12 44, कितना आ जाएगा, 44,800 ml। आंसर कितना आ जाएगा, 44,800 ml, इसे आप 44.8 liter भी लिख सकते हैं, 44.8 liter भी इसे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 liter बराबर 1000 ml होता है। चले अगला प्रश्न देखें, उसके बाद कुछ बातें करेंगे दो तीन दिन अगले, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें छोटी संख्या क्या है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है, बताएं। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखें अगला, देखें क्या है, हमने मान लिए एक संख्या 5x है, क्या मान लिए, पहली संख्या 5x, ठीक है, दूसरी इसकी कितनी है, 1/5 है, हमने 5x क्यों माने, हर की मानो, हर में जो संख्या दी है वो मानो, पहली संख्या हो गई 5x, तो दूसरी संख्या इसका 1/5, 5x गुणित 1/5 बराबर 5 से 5 कैंसिल, दूसरी संख्या क्या जाएगी, x, दूसरी संख्या कितनी आ गई, x, दूसरी संख्या आ गई आपकी x, दूसरी कितनी आ गई, x, कैसे आई, 5x का 1/5 कर दो, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा, x। यदि धोखे से आप पहली संख्या x मान लेते, पहली संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या कितनी आ जाती, 1/5x, दूसरी कितनी आ जाती, 1/5x, और फिर आप गुणा भाग में बहुत ज़्यादा उलझ जाते, काय में उलझ जाते, गुणा और भाग में। देखें
क्या बता रहा हूं मैं पहले, पहली संख्या मैंने 5x क्यों माना, पहली संख्या 5x इसलिए माना ताकि दूसरी संख्या कितनी आ जाए, x आ जाए। हमेशा आप पहली संख्या क्या माने जो हर में दिया है, एक बटे पांच गुना, तो 5x मान लो तो ऊपर वाली क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ये भी एक तरीका है सवाल को सरल बनाने का। अब सवाल में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 0.008 है। तो 5x गुणित x बराबर 0.008 कितना हो जाएगा, 5x का वर्ग बराबर 0.008। ठीक है, अब इसे 5 से आप भाग दे दें, एक्स स्क्वायर बराबर 0.008 बटे कितना, 5। ठीक है, 8 को 5 से भाग दें, 8 को 5 से भाग दें कितना आएगा, देखें x का वर्ग बराबर 5 से भाग दें 0.005, 5 एकम 5 बचा कितना, 5 एकम 5 कितना बचा भाई आपका, बच जाएगा 3, 5 6 के 30 कितना आ गया, 0.0016 कितना आ गया, 0.0016। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। इसे क्या लिख सकते हो आप, x का वर्ग बराबर 0.04 का वर्ग, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना जाएगा 0.04। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है।